ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੰਜੁਮ ਮੋਦਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਜੁਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੰਜੁਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਜੁਮ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਆਪਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਆ ਥਾ 2018 ਮੇ, ਔਰ ਜਬ ਸੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀ ਥੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਅਬ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ? जी, हमने ओलंपिक कोटा 2018 में ले लिया था, तो उसके बाद 2 साल के बाद टोक्यो की गेम्स होनी थी, बट कोरोना की वजह से सब कंपटीशन कैंसिल हो गए और इस साल कोई भी इंटरनेशनल नहीं हुआ जिसमें हम इंडियन टीम जाए, और गेम्स भी पोस्टपोन हो गई, जिसकी वजह से जितने भी हमारे प्लान बने हुए थे ट्रेनिंग के, रिकवरी के, वो सारा चेंज करना पड़ा है। अभी अभी कौन सा कंपटीशन होएगा हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सा इस साल होएगा इंडिया में या फिर अगले साल बाहर कौन कौन से कंपटीशन होंगे, बट जो चीज हमारे हाथ में है कि हम अपनी शूटिंग की ट्रेनिंग करें, उसके वीकनेसेस पे काम करें, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग पे काम करें, हम वो चीजें कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हमें काफी टाइम मिला है उन सब चीजों पर काम करने के लिए, तो अभी हमारी तैयारी जारी कंटिन्यू हो रखी है, बाकी अभी देखते हैं कि कैलेंडर कब आएगा। अच्छा, जब जब मैंने पहले भी पूछा था 2018 से आप तैयारी में जुटे हुए थे क्योंकि सबसे पहले आपको कोटा मिल चुका था, जब ये ऐलान हुआ कि ओलंपिक गेम्स को 1 साल के लिए टाल दिया जाता है, तब निराशा हुई थी कि यार अभी तो तैयार, मैं पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट थी मेरी, अभी बिल्कुल पास में आकर आज ये हो गया 1 साल बाद और तैयारी करनी पड़ेगी? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट क्योंकि कोरोना जनवरी से ही ऑलमोस्ट जनवरी के फरवरी इंडिया में आ गया था, उस टाइम फिर ऐसा लगा था कि शायद गेम्स में कुछ कंट्रीज नहीं आएंगी जहां पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना से, बट तब लग रहा था कि चलो कुछ कंट्रीज नहीं आएंगी, बट ओवर द टाइम मार्च में ऐसा लग रहा था क्योंकि इंडिया में केसेस बढ़ने लग गए थे, तब ऐसा हो गया था कि गेम्स पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है क्योंकि ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, सारे वर्ल्ड कप कैंसिल हो गए थे। हमें ये खुशी है कि उन्होंने गेम्स कैंसिल नहीं करके पोस्टपोन करी है, एंड आई होप अगले साल तक सिचुएशन ठीक हो जाए और हमारी गेम्स हो, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट ये खुशी है कि गेम्स हो रही है तो हम अपनी तैयारी दोबारा मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले कितना आप तैयार थे जब ओलंपिक बिल्कुल पास आने वाले थे? मैं बात कर रहा हूँ मार्च की, जब मार्च में लॉकडाउन इंडिया में ऐलान हुआ था लॉकडाउन का, तब आप कितना तैयार थे ओलंपिक के लिए? सारे एथलीट 100% देते हैं अपनी तैयारी में, हमने भी 100% दे रखा था, प्रॉपर प्लानिंग थी कि मार्च में जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब उस अगस्त तक क्या क्या करना है, सब कुछ प्लानिंग थी, तो सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, प्रिपरेशन 100% हो रखी थी, बट क्योंकि सब चेंज हो गया तो अभी भी हम तैयार है, ये है कि हम और चीजों पे और ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो फिटनेस लेवल है, टेक्निकल लेवल है, वो वहीं तक मेंटेन रहे अगले साल। पर आप जैसे लॉकडाउन हुआ तब तो प्रैक्टिस भी आपकी बंद हो चुकी थी, तो फिर आपने अपने आप को प्रैक्टिस कैसे की, क्योंकि एक रूटीन जो होता है बहुत जरूरी होता है एक प्लेयर के लिए, और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, एक प्लेयर का एक सपना होता है ओलंपिक में जाने का, और आपका भी वो सपना था कि ओलंपिक में जाऊं इंडिया के लिए खेलूं, क्योंकि हमारी पहले भी जो बात हुई थी आपने हमेशा यही कहा था कि ओलंपिक मेरा एम है मेन अभी जो आने वाला है, पर उसके बाद प्रैक्टिस द्वारा एक बार रुकना, द्वारा शुरू करना, ये कितना मुश्किल था? कुछ नहीं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम हम दिल्ली से जस्ट वापस आए थे, हमारे
वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ था, तो वो ट्रायल हुए थे उसकी जगह पे, तो हम 19 मार्च को जस्ट घर आए थे, तो मैंने वैसे भी कुछ टाइम का ब्रेक लेना था, एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन का। तो जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि घर पे ही रहना था, और वैसे ही कुछ बाहर नहीं जाती मैं ज्यादा जिम के अलावा, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट 10 दिन के बाद जब ट्रेनिंग शुरू करनी थी तो घर में ही एक टेम्पररी टारगेट बनाया 10 मीटर्स का, और या तो होल्डिंग करी 50 मीटर्स की और 10 मीटर्स की भी, और घर में एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो पिछले 4-5 महीने से पूरा वर्कआउट प्रॉपरली घर पे चल रहा है, और ट्रेनिंग अभी पास की कुछ रेंज खुली थी वहां पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो सब एडजस्ट हो गया क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा कि ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं मिल रही है। पर जैसे एक जैसे आपने कहा अभी प्रैक्टिस तो शुरू हो चुकी है, पर एक प्रैक्टिस करना और एक मैच खेलना, टूर्नामेंट खेलना, जैसे शूटिंग का तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हर साल तकरीबन होता है, और मैच प्रैक्टिस और एक रूटीन में प्रैक्टिस का अंतर तो होता है, फिर वो आपको कितना लगता है कि वो तैयारियां जो ऐसे चल रही है वो आपके लिए सही है? अभी क्योंकि कोई भी कंपटीशन नहीं है इस साल, कम से कम इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं है, जो भी डोमेस्टिक कंपटीशन होगा अभी इंडिया की फेडरेशन ने कैलेंडर नहीं निकाला है, तो हमें ये भी नहीं पता कि पहला कंपटीशन सितंबर में होगा, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। तो उस हिसाब से हम अपने खुद के मैचेस कर रहे हैं, हम कुछ फ्रेंड्स आपस में फोन करके कि हम आज मैच करेंगे, हमारे कोच हमें प्रोग्राम दे रहे हैं कि आपने इस डेट को मैच करना है, तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए कि अगले सैटरडे को मैच है। तो ऐसे करके हमारी ट्रेनिंग चल रही है जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि हम मैच भी करें, लाइट ट्रेनिंग भी करें, रिकवरी भी करें, ऑफ भी लें, तो वो प्रॉपर अभी प्लानिंग से ट्रेनिंग चल रही है, चाहे जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो हमने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। वो कैसे चल रही है, जैसे आपने बताया ऑनलाइन प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे हम, मेरे कोच मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम भेजा है कि आज इतने ये प्रोग्राम है कि किस चीज पे फोकस करना है ट्रेनिंग में, या किस दिन मैच करना है, किस दिन एयर का ट्रेनिंग करना है, किस दिन 50 मीटर की ट्रेनिंग करनी है, तो वो कोच प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं, तो उन्होंने वो शेयर किया है, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है हमारी और हम उनको रिजल्ट्स भेजते रहते हैं, तो ये ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है अभी। अब जैसे मैं पूछूं, पहले आप कितना तैयारी कर रहे थे जैसे ओलंपिक के लिए, और लॉकडाउन के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ा और क्या क्या उसमें आपने चेंजेस किए? पहले प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही थी, रेंज दिल्ली में कैंप लगे हुए थे हमारे, और प्रॉपर पूरा पूरा दिन हम ट्रेनिंग कर रहे थे कैंप्स में, जिसमें कोचेस थे, इंटरनेशनल कोच थे, और प्रॉपर पूरी टीम इकट्ठी थी। बट उसके बाद हम जब घर पे आए तो हम अपनी ट्रेनिंग इंडिविजुअल सब अकेले अकेले अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे घर पे, प्रोग्राम्स कोचेस भेज रहे थे, और फिजिकल ट्रेनिंग हम ऑनलाइन हमारे फिजियो से या किसी से ट्रेनिंग ऑनलाइन ले रहे थे, तो हर चीज बदल गई है। बट आई थिंक मैंने इसे काफी पॉजिटिव वे में लिया है कि मेरे को उस चीज का बेनिफिट हुआ कि मैं बहुत ज्यादा अपना फिजिकल पे ध्यान दे पा रही हूँ, और बहुत टाइम है काफी कुछ करने के लिए, तो इसमें कुछ नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, सारे पूरी दुनिया इसमें इकट्ठे इन्वॉल्व हुई है, और आई थिंक जो पॉजिटिवली उस चीज को डील कर ले वो इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं, इसको चैलेंज समझ के बस इससे आगे। पर एक साल, एक दुख नहीं होता है कि एक साल बाद 2021 में अभी ओलंपिक होनी है, इतनी तैयारी हो चुकी थी आपकी, बहुत ज्यादा तैयारी हो चुकी थी, बहुत शूटिंग में 2-3 साल से इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था, पर एक साल और इंतजार करना है, ये मुश्किल नहीं होगा? मुझे लगता है कि शूट लाइक हमारा करियर या हमारा प्रोफेशन अभी जैसे एक एथलीट का है, तो हम चाहे ओलंपिक हो या ना हो हम तैयारी करते रहते हैं, हम बस ट्रेनिंग करते रहते हैं अपने प्रॉपर अपने आप को इम्प्रूव करने की। जरूर कि काफी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, सबके अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के प्लान्स थे, इक्विपमेंट कुछ लेना था, सब प्लानिंग था, बट हम इस चीज को लेके दुखी नहीं हो सकते कि ये क्या हो गया, अब क्या हम करेंगे, तो आई थिंक हम उसे एज अ चैलेंज लेके उसे सीख के बस एक साल और आपको बस वो चीज कंटिन्यू करनी है कि आप बेटर होते रहो और सब खेल पाए, कम से कम सारे हेल्दी खेल पाएंगे वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि वहां जाके किसी को बीमारी हो जाए। पर जैसे शूटिंग एक कंसंट्रेशन का गेम होता है, घर में रहना, और आगे तो चलो ऐसा होता था कि प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चलती थी, आपका कंसंट्रेशन रहता था,
पर अब सब कुछ बदल गया है, सब माहौल चेंज हो गया है, ना तो प्रैक्टिस होती है प्रॉपर, ना आपको घर में ही रहना पड़ता है। कंसंट्रेशन पे आपके कोई इफेक्ट पड़ा इसका? क्योंकि मेनली जो कंसंट्रेशन का ही गेम है। कंसंट्रेशन पे इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उस सिचुएशन को जो भी चल रही है उसको समझते हैं, उसे देखते हैं कि और क्या क्या नुकसान हो सकते थे, बट अभी हम सेफ हैं, सारे शूटर अपने घर पे। अगर हम कहीं किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में होते जहाँ पे एकदम से वायरस फैल जाता, हमें इंडिया आना मुश्किल हो जाता, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, बट नहीं है। हम घर में हैं, सेफ हैं, हम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मेंटली स्ट्रांग होने से और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ये देखने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, और हम अपने आप पे फोकस भी कर पाते हैं कि जो हमें करना है फोकस करेंगे, कंपटीशन जब होंगे देखा जाएगा, बट हम अपने आप को रेडी रखें। और अब आप कितना कितना टाइम आपने मेंटेन किया हुआ है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें और आप शूटिंग की बात करें, कितना कितना टाइम आप अपने आप को दे रही हैं? सुबह मेरी 2 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग होती है तकरीबन, शाम को 1 घंटे की होती है, और शूटिंग 2 से 3 घंटे मैं दिन में करती हूँ 10 मीटर्स का, और अल्टरनेट डे पे या 2 दिन बाद मैं 50 मीटर की ड्राई ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि मैं अभी वो उसके लिए रेंज पे नहीं जा रही हूँ। तो वो टोटली डिपेंड करता है, किसी दिन फुल डे ऑफ होता है तो उस दिन कुछ और काम करते हैं। तो ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक में ये है कि मॉर्निंग ट्रेनिंग 2 घंटे की है फिजिकल ट्रेनिंग, एंड शाम को 1 घंटे की, और शूटिंग की 2 से 3 घंटे की। बिल्कुल, जैसे अंजुम 2021 में आप ओलंपिक होनी है, पर अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर वैक्सीन नहीं आती है तो ओलंपिक गेम्स को रद्द किया जा सकता है। अगर 2021 में भी ना हुई ओलंपिक गेम और सीधा फिर 2024 में होगी, आपको क्या लगता है कि आप उससे निराशा होगी या आपको ऐसी पॉजिटिव जैसे आप सोच के चल रही हैं, क्या उसके आगे भी ऐसी चलेंगे? नहीं, अभी गेम्स हो रही है, मुझे इसलिए ये है कि हाँ हमें अभी काम करना है, बट अगर कैंसिल हो जाएंगी तो दुख होएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्वालिफाई किया था, तो मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा खुशी थी कि एकदम से मैंने कोटा ले लिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था, तो उस चीज की बहुत खुशी थी। बट अगर कैंसिल होंगी तो बहुत ही ज्यादा दुख होएगा, बट वो भी हमारे हाथ में नहीं है, राइट? तो जो चीजें फिर और कॉम्पिटिशन हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप्स है, हमें उन पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उन पे भी ध्यान देंगे, बट अगर कैंसिल होएंगी तो दुख होएगा, काफी दुख होएगा। क्योंकि दुख तो है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स बहुत बड़ी गेम होती है, प्लेयर का एक ड्रीम है, और इससे बड़ा टूर्नामेंट भी कोई होता नहीं है। फिर आप और क्या इसको, जब एक और बात पूछना हो, आपको उम्मीद थी कि आप जो फाइनल टीम जानी थी ओलंपिक के लिए पहले, वो उसमें आपका नाम आएगा, ये आपको पूरा भरोसा जी, पूरा था? आपकी भरोसा था। अब जैसे आपकी फॉर्म पहले चल रही थी, अब उसको फॉर्म में आने के लिए अब कितना आपको दोबारा से कंटिन्यूअसली कितनी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या उस रूटीन में आने के लिए अब कितना आपको संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तब करना पड़ता है अगर मैंने वो रूटीन एकदम छोड़ दी हो। मैंने वो रूटीन नहीं छोड़ी है, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो चेंजेस करने थे मैं वो कर रही हूँ, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, हर चीज पे ध्यान दे रही हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई संघर्ष करना पड़ेगा अपने वापस उस लेवल पे आने के लिए। मैं उसी लेवल को अभी मेंटेन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन पर दिन बेटर हो जाऊँ अपने पिछले अपनी परफॉर्मेंस से। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, जो सिचुएशन होगी जब मैचेस होंगे, सिलेक्शन होगा, वो फेडरेशन के हाथ में है, पर मेरी मेरा जो जॉब है वो है कि मैं अच्छे से शूट करूँ, और मैं वो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, जो जैसे आपने तो ये बताया कि आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं और जो थोड़ी बहुत शूटिंग अभी हो रही है, इसके अलावा घर में दो या आप इतना लंबा टाइम, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम कभी घर पे रुके होंगे, ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, पहले तो ये बताया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि काफी टाइम हो गया था घर में इतने महीने इकट्ठे रहना, और पिछले 10 सालों में इतने, मतलब 4-5 महीने कहीं बिना बाहर गए नहीं नहीं हुआ है। तो घर में काफी अच्छा है कि फैमिली इकट्ठी है, सब सेफ है, और मतलब घर के काम कर रहे हैं सारे मिलकर, और सारे साथ में खेल रहे हैं, अपनी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है घर पे, और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितना
ऑनलाइन कोर्सेज कर सकूं अलग अलग चीजों को लेके, या फिर अलग अलग चीजें सीख सकूं, चाहे वो कुकिंग है या कुछ भी, किसी भी चीज को लेके। तो मैं जितनी नई चीजें सीख सकती हूँ मैं वो सीख रही हूँ, ताकि ये टाइम ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि मैंने पिछले 5-6 महीनों में कुछ नहीं किया। अच्छा, कुकिंग में आपने अभी ट्राई किया था, पहले भी आप करते थे? मैं पहले भी करती थी, बट अभी क्योंकि घर पे रेगुलरली है तो रेगुलरली हो रही है, वरना जब ट्रैवल करते तो कहाँ पे कुकिंग करेंगे। क्या क्या नया क्या सीखा कुकिंग में, अगर मैं बात करूँ क्या क्या नया? काफी सारी अलग अलग डिशेज हैं, सब कुछ, मतलब मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ। तो बस ये कि कुछ नया सीखने के, ऑनलाइन कुछ नया डिश सीखो और वो बना लो, ऐसे कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो वैरायटी है, चाहे वो मेन डिश हो, चाहे वो रोटी चावल या कोई डिजर्ट हो, तो सब कुछ ही अलग अलग चीजें सीखी है मैंने। जैसे आप घर पे आप रह रहे हैं अभी, डाइट का भी एक प्लेयर के लिए बहुत मायने रखती है। आप प्रैक्टिस करते थे और रूटीन में तो डाइट भी प्रॉपर चलती थी, अब डाइट का कोई चेंजेस आपने किया या उसमें कोई वैसे ही चल रहा है जो पहले आप रूटीन में चलता था? अभी एक्चुअली ज्यादा बेटर है क्योंकि हम घर पे हैं, तो हम जो भी बनाना चाहें और जितना हेल्दी खाना चाहें वो हमारे हाथ में है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो कई बार हमें जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलता, तो जो भी अवेलेबल है हमें वो खाना पड़ता है। तो आई थिंक अभी काफी अच्छे से कंट्रोल में है, क्योंकि चंडीगढ़ में मार्केट्स खुल चुके हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आ जाता है सामान, और फिर हम अपनी डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे अब आपके ने डाइट का हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद आपको पेंटिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग में आपने अभी कितना टाइम दिया इस लॉकडाउन के दौरान? काफी ज्यादा टाइम दिया है पेंटिंग पे, और काफी बड़े आर्टवर्क बनाए हैं, कुछ डायरीज बनाई थी, और कुछ डायरीज और आर्टवर्क सेल कर रहे हैं ताकि उनसे जो पैसा है वो मैं डोनेट कर सकूं उन लोगों को जिन्हें जरूरत है इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैंने काफी टाइम डोनेट किया है पेंटिंग पे। क्या डोनेट कितना अभी तक आप कर चुके हैं, कितनी हेल्प लोगों की इसमें हो चुकी है? काफी अलग अलग जगह की है, एक एनजीओ है पंजाब में, उनको मैंने डोनेशन दिया है, तो वो पंजाब के कुछ फैमिलीज को खाना डोनेट कर रहे थे। फिर एक कैंसर पेशेंट है, उनकी फैमिली को मैंने पैसे डोनेट कर रहे हैं। फिर एक फाउंडेशन है गोस्पोर्ट, जो मेरी स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें जितने भी लोग हमारे दिल्ली की रेंज पे काम करते हैं, चाहे वो सैनिटेशन वर्कर हो या टारगेट बदलने वाले लोग, उन सबकी मदद के लिए मैंने अभी पैसे डोनेट करे हैं। तो अलग अलग इनिशिएटिव पे मैंने पैसे थोड़ा डोनेट किए ताकि उन लोगों के घर चल सके। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया डोनेट का, कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ और लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ, ये आइडिया आपको कैसे आया था? मैंने पेंटिंग्स बनाई थी और लोगों को, कईयों को पेंटिंग्स काफी पसंद आई थी, तो मुझे था कि मैं कैसे अपनी आर्टवर्क अगर सेल करूंगी लोग पेंटिंग्स खरीदेंगे, और इनडायरेक्टली वो लोग भी उन लोगों की हेल्प करेंगे जिन्हें मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो इस वे में मैंने बस जितना भी आर्टवर्क था उन सबको ऑनलाइन डाला कि आप खरीद सकते हो, एंड देन सारी डोनेशंस डोनेट की जाएंगी, जो भी आप मतलब जो भी पैसे आएंगे वो डोनेट किए जाएंगे। तो बस एक आइडिया था और वो सक्सेसफुल हुआ। अभी वो कंटिन्यू रख रही हैं या आपने अभी उसको बंद कर दिया? कल ही मैंने अपनी एक लास्ट डोनेशन करी है, अभी अभी और पेंटिंग्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी ट्रेनिंग शुरू हो गई है काफी ज्यादा, तो इसलिए अभी 3-4 ही डोनेशंस करी हैं। कैसी कैसी जो पेंटिंग्स आपने सेल की है उसमें खास क्या था और क्या क्या उसमें लग किया था आपने? पेंटिंग्स थी जो मैंने जो मन किया वो बना दिया, और जो अच्छा लगा और लोगों ने वो खरीदा, ऐसा कुछ बहुत ही खास था। ये था कि बड़ी पेंटिंग्स बना पाई क्योंकि मैं घर पे थी, नहीं तो छोटी बनाती हूँ, और प्रॉपर टाइम था, किसी ने ऑर्डर्स दिए वो पूरे करे, और तो इसलिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, जिसने भी जो ऑर्डर दिया मैंने वो बना लिया, और जो नॉर्मल पेंटिंग्स थी वो मैंने अपने मन से बनाई एंड लोगों ने वो खरीदी। नहीं, कई बार ऐसे होता ना, जैसे सिचुएशन ऐसे चल रही है जो अभी पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है, एक कोई ऐसे कोई सिचुएशन के भी ऊपर बनाई आपने या सिर्फ नॉर्मल ही था? नहीं, ऐसे कोई सिचुएशन पे नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। मैंने जनरल कोई सीनरी या कुछ प्लांट्स ऐसी सीनरी अलग अलग बनाई। इनके अच्छा रिस्पॉन्स आपको अब तक मिल चुका है आपका? जी। अच्छा, जो अगर मैं बात करूं अब इंडिया की,
ओलंपिक गेम्स में अगर 2021 में अभी इंडिया होती है, तो आप इंडिया को आप कहाँ पर खड़ा देखती हैं? कि अब जैसे पिछली बात करूं तो अब तब तो अच्छा प्रदर्शन था इंडिया का, काफी मेडल की उम्मीद भी की जा रही थी। अब इस लॉकडाउन के दौरान क्या इंडिया का कुछ उससे लेवल थोड़ा कम होगा? हम पहले कुछ नहीं कह सकते कि कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, सारे अपने 100% दे रहे हैं, लॉकडाउन में भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां उस दिन क्या होगा वो हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। सारे शूटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे भरोसा भी है पूरी इंडियन टीम पे कि हम वहां जाके 100% देंगे और पक्का इंडिया के लिए मेडल्स देंगे। तो अंजुम मोदगिल जिन्होंने अपना लॉकडाउन का पीरियड जो उन्हों का समा बीतिया साझा किया, दसिया कि किस तरह दैरिया से उन्होंने तैयारियों से असर लॉकडाउन का रहा, कि तैयारियां हम इस लॉकडाउन के दौरान ही कर रही ने ताकि ओलंपिक के मैडल भारत के लिए हर हाल के लैके आ सकन।